कैरेक्टर ऐसा है कि जो शायद हर भारतीय नारी को दर्शाता है. मुझे लगता है रणदीप के साथ काम करके मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा. मुझे ऐसा लगा कि रणदीप जब डायरेक्ट कर रहे थे तो वो खुद कहीं ना कहीं एक वीर सावरकर ही थे. मुझे ऐसे स्ट्रॉन्ग वुमेन ओरिएंटेड कैरेक्टर्स करने में बहुत मुझे अच्छा लगता है. मुझे बहुत एम्पावर्ड लगता है. मुझे लगता है ऐसी चीज़ें मैं करना चाहती हूँ फ्यूचर में भी. मुझे ऐसा लगता है वो नेशनल हीरो है, थे और रहेंगे. लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन उनके जो काम हमारे इंडिया के लिए रहे हैं, जिस तरीके का रहा है, आज उनका नाम है वो, ही इज़ अ नेशनल हीरो और इसीलिए इतनी बड़ी फिल्म बनी, सो इट डजेंट मैटर. तो कैरेक्टर ऐसा है कि जो शायद हर भारतीय नारी को दर्शाता है, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जिन्होंने अपने हस्बैंड का बहुत साथ दिया हर चीज़ में. जहाँ पर उन जो जब वहाँ नहीं भी थे फिज़िकली प्रेजेंट, उनके हस्बैंड जब कहीं काला पानी में थे और उसके बाद भी वो यहाँ पर हर चीज़ के लिए फ़ाइट कर रही थी. और वो एक्चुअली यमुना बाई एक ऐसा किरदार है जो दर्शाती है कि एक हाउस वाइफ क्या क्या कर सकती है जब उसके परिवार पर कोई चीज़ आती है. तो दैट्स माई कैरेक्टर. आपने बहुत सारे रोल पहले भी किए ग्लैमरस रोल करने में, जब इस तरह का इतिहास को टच करने वाला कैरेक्टर, क्या सीखने मिलता है आपको पूरा हिस्ट्री सावरकर जी के बारे में, पहले क्या जानते थे और अब कितना? आई थिंक जब आप कोई भी हिस्टोरिकल फिल्म करते हो तो आप ऑफकोर्स मैंने हमेशा वीर सावरकर जी की बातें पढ़ी हैं, सुनी हैं, लेकिन इतना डिटेल में कभी पता नहीं था. स्पेशली यमुना बाई के बारे में मैंने कभी इतना डिटेल में उनको जानती नहीं थी. लेकिन जब आप ऐसे किरदार करते हो, आप उनकी पूरी जर्नी समझते हो कि वो कैसी रही हैं, कैसा उनका किरदार रहा है, आज कितने सारे सैक्रिफाइसेस उन्होंने किए हैं. आज अगर हम भारत देश में आज़ादी से घूम पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका एक महत्वपूर्ण उसका एक हिस्सा रहा है. तो ये सारी चीज़ें, और यमुना बाई एक ऐसा किरदार रही हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड के लिए विदाउट इवन सेइंग ऐसी बहुत सारी चीज़ें की हैं कि वो एक अनसंग हीरो थी हमारे भारत के लिए. आज अपने शायद उनके हस्बैंड जो थे वो एक बैटल लड़ रहे थे काला पानी की सज़ा में, और एक वो थी जो बाहर रहकर अपने परिवार के लिए एक लॉयल्टी, एक कमिटमेंट, एक जिम्मेदारी की तरह उस चीज़ को निभा रही थी. हमारी फिल्म में एक सीन है जिसमें उनके बच्चे की डेथ हो जाती है, बहुत यंग बेटा उनका चला जाता है, और वीर सावरकर को ये बात पता भी नहीं होती है, और जिस तरीके से उन्होंने उस चीज़ को फाइट किया अकेले, हैट्स ऑफ टू हर. क्योंकि आजकल की जनरेशन हम शायद ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भूल जाते हैं. कमिटमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है. आज हम रिश्ते भी हमारे 2-3 महीने अगर हम किसी के टच में नहीं, हम भूल जाते हैं, लेकिन वो इतने सालों तक उस चीज़ को रखना, कमिटेड रखना, उस चीज़ को लॉयल्टी से निभाना, अपने परिवार के लिए खड़े होना, वो एक अच्छे घर से बिलोंग करती थी, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती थी. उसके बाद भी उन्होंने हमेशा उस चीज़ को, सावरकर जी को साथ देना हर चीज़ में, जिस तरीके से पेट्रियाटिज़म उनके अंदर था, शायद वीर सावरकर में तो वो चीज़ थी ही थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं यमुना बाई के अंदर भी थी. तो बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे किरदार प्ले करते हो, आपको अच्छी फीलिंग आती है कि आप एक ऐसे फिल्म का हिस्सा हो जो बहुत बड़ी है. तो इट फील्स ग्रेट. कैसा आपको लगा रणदीप इसमें डायरेक्टर की भूमिका में भी हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, क्या आपको लगा कि अनकंफर्ट होता है कोई एक्टर के साथ डायरेक्शन सेम? बिल्कुल भी नहीं. मुझे लगता है रणदीप के साथ काम करके मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा. मुझे ऐसा लगा कि रणदीप जब डायरेक्ट कर रहे थे तो वो खुद कहीं ना कहीं एक वीर सावरकर ही थे, क्योंकि वो इतना डेडिकेटेड थे, वो इतने डेडिकेशन के साथ जब उन्होंने कहानी पूरी लिखी है, आज उनके किरदार के बारे में इतने अच्छे से डेप्थ में पता थी. तो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प थी रणदीप का डायरेक्ट करना, क्योंकि रणदीप को हर कैरेक्टर के बारे में बहुत अच्छे से डिटेलिंग पता थी. तो जब मैं यमुना बाई भी कर रही थी तो शायद रणदीप का एक बहुत बड़ा हाथ होगा. अगर मैं इस फिल्म में कुछ थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगी तो शायद रणदीप की डिटेलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग रही है इस फिल्म के लिए. तो रणदीप हैज रियली हेल्प मी अ लॉट. पहले कैसे आपको इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया और क्या मोटिवेशन था आपको जो हाँ करने के लिए इस रोल के लिए? मेरी जो फ्रेंड है संदीप सिंह, ये उनकी प्रोड्यूस बाय संदीप है, तो वो लेकर ही आए थे मेरे पास फिल्म, और ही वॉज़ वेरी कीन कि मैं ये कैरेक्टर करना चाहिए हूँ. तो जब मैंने समझा चीज़ों को, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे ऐसा लगता है मैं कहीं ना कहीं मुझे ऐसे स्ट्रॉन्ग वुमेन ओरिएंटेड कैरेक्टर्स करने में बहुत मुझे अच्छा लगता है. मुझे बहुत एम्पावर्ड लगता है. मुझे लगता है ऐसी चीज़ें मैं करना चाहती हूँ फ्यूचर में भी. तो मुझे देर लगी नहीं ये चीज़ को हाँ कहने के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स जब फिल्म इतनी बड़ी है, नाम इतना बड़ा है वीर सावरकर जी का, और उनकी वाइफ का अगर कैरेक्टर मुझे मिलेगा पोर्ट्रे करने के लिए, तो मेरे को ज़्यादा टाइम तो ना तो कहना ही नहीं था, लेकिन हाँ मैं तुरंत हाँ बोल चुकी थी उस चीज़. जब सावरकर को कोई माफ़ी वीर कहता है या कुछ, अब आपने जर्नी पढ़ी, स्टडी की एज ए यमुना बाई,
आपको दुख होता है उस चीज़ का कि कैसे उनको पोर्ट्रे किया जाता है हमारे कंट्री में? मुझे ऐसा लगता है वो नेशनल हीरो है, थे और रहेंगे. लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन उनके जो काम हमारे इंडिया के लिए रहे हैं, जिस तरीके का रहा है, अभी उनका नाम है वो, ही इज़ अ नेशनल हीरो और इसीलिए इतनी बड़ी फिल्म बनी, सो इट डजंट मैटर. तो आप अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, क्यों देखने चाहें ये फिल्म को? क्योंकि बहुत सारे दर्शकों को शायद पता नहीं है कि वीर सावरकर जी की कहानी क्या रही है, और शायद हमारे इंडिया में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी हिस्ट्री को जाना जाए. लोगों को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे बच्चों को हम बताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भूल रहे हैं ये सारी चीज़ें. ये हमारे इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यू नो एक देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है. तो मुझे लगता है सारे लोगों को इसीलिए देखना चाहिए, जिससे कि वो अपने बच्चों को ये हिस्ट्री दिखा सकें. सो प्लीज़ गो एंड वॉच द फिल्म, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप जब थिएटर से निकलेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेकर निकलेंगे.